नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए हैं देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, पांच राज्यों के अंदर हुए विधानसभा चुनाव के अब फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिए गए हैं। फाइनल रिजल्ट में किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें गई, इसके आंकड़े आपको आगे विस्तार से बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कि आजम खान ने रच दिया इतिहास। यूपी चुनाव में भले ही समाजवादी पार्टी चुनाव हारी हो, लेकिन आजम खान ने इतिहास रच दिया, किस तरह से, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में चल रहे विधानसभा चुनाव के बीच एक बार फिर से समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग के ऊपर गंभीर आरोप लगाया है, किस तरह से, क्या आरोप है, इसकी भी जानकारी आगे आपको विस्तार से देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कि पांचों राज्यों के विधानसभा चुनाव में हार मिलने के बाद कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी का बहुत बड़ा ऐलान, क्या ऐलान है, इस पर भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कि जो है अब नेपाल ने भारत को आंख दिखाना शुरू कर दी है। मोदी राज में जिस तरह से कहा जाता है कि विदेश नीति बहुत मजबूत है, हम आपको आगे जो रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं वो मोदी राज में विदेश नीति की पोल खोलने वाले, किस तरह से, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, यूक्रेन और रशिया के बीच चल रहे वॉर में एक और बड़ा खुलासा हुआ है, रूस की तरफ से एक बड़ा खुलासा किया गया है, किस तरह से, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, पंजाब विधानसभा चुनाव जीतने के बाद आम आदमी पार्टी का बहुत बड़ा ऐलान, क्या ऐलान है, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कि मशहूर शायर मुनव्वर राणा की बिगड़ी तबीयत, घर से उनके अभी अभी बड़ी खबर आ रही, इसकी भी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कि भारत और चीन के बीच एलएसी बॉर्डर से बड़ी खबर सामने आ रही है, इसकी भी जानकारी आगे आपको देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। पहली और बड़ी खबर की, पहली और बड़ी खबर पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के फाइनल रिजल्ट आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 403 विधानसभा सीटों के रिजल्ट घोषित कर दिए गए हैं, जिसमें दोस्तों बीजेपी 270 सीटों पर चुनाव जीत गई है, समाजवादी पार्टी 128, कांग्रेस 2, बीएसपी 1 और अदर के खाते में 2 सीटें गई हैं। वहीं बात करें पंजाब की, तो पंजाब की 117 सीटों में से आम आदमी पार्टी 92, कांग्रेस 18, अकाली दल 4 और बीजेपी 2 और अन्य के खाते में 1 सीट गई है। साथ ही साथ उत्तराखंड की अगर बात करें तो 70 विधानसभा की सीटें हैं, इसमें बीजेपी 47, कांग्रेस 19, आम आदमी पार्टी 1 भी नहीं और यूकेडी को भी 1 भी नहीं, अन्य के खाते में 4 सीटें गई हैं। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर की 7 टोटल सीटें, जिसमें बीजेपी 32, एनपीपी 7, कांग्रेस 5 और एनपीएफ 5 और अन्य के खाते में 11 सीटें गई हैं। बात करें अगर गोवा की तो दोस्तों गोवा में बीजेपी को बहुमत नहीं मिला है, 40 टोटल सीटें हैं, जिसमें बीजेपी 40 में से 20 सीटें जीती है, कांग्रेस पार्टी 12, आम आदमी पार्टी 2, टीएमसी 2 और अन्य खाते में 4 सीटें गई हैं। तो यह है दोस्तों पांच राज्यों का नतीजा, जिसमें जो है एक अगर राज्य छोड़ दे पंजाब और चारों जगहों पर बीजेपी की सरकार बनी है और बीजेपी ने प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार बनाई है। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नतीजों से पहले ही अब बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने एक और गंभीर आरोप लगा दिया है। चुनाव रिजल्ट हालांकि घोषित कर दिए गए हैं, लेकिन अब चुनाव आयोग को लेकर के जो समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है, आपके सामने यह खबर है, आप देख सकते हैं। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को शिकायती पत्र भेजा है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने पत्र लिखकर के शिकायत की है कि जो प्रत्याशी उनके जीत गए हैं उनको जो है कैंडिडेट्स को सर्टिफिकेट इशू नहीं किया जा रहा है। यानी कि अब जब पहले ईवीएम में भी झोल कर लिया, उसके बाद अब जो कैंडिडेट समाजवादी पार्टी के जीत रहे हैं उनको सर्टिफिकेट टाइम से नहीं दिया जा रहा है, सर्टिफिकेट जो है उसमें डिले किया जा रहा है। तो ये एक और बड़ा मामला सामने आया। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है रामपुर से। रामपुर में आजम खान ने जेल में रह करके इतिहास रच दिया है। आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों, ये बीजेपी के लिए जबरदस्त झटका होगा। सीतापुर की जेल के सलाखों के पीछे कैद रहकर भी आजम खान ने 55,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीत करके इतिहास रच दिया है। साथ ही साथ कैराना से बड़ी खबर है, जहां पर जो है बीजेपी के नेता चुनाव हार गए हैं और वहां से बताया जा रहा है कि जो
समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं जिनको जेल में डाल दिया गया था, वो कैराना से चुनाव जीत गए हैं। तो ये दो ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी को जबरदस्त झटका लगा है। चुनाव जरूर बीजेपी ने जीता है, लेकिन दोस्तों रामपुर और कैराना के साथ साथ जो है जिस तरह से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की सीट है, ये बीजेपी के हाथ से निकल गई है। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है, पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का बहुत बड़ा बयान। आप इस खबर को देख सकते हैं, राहुल गांधी ने अब ट्वीट में इसको लेकर के जो है बात कही है। उन्होंने ट्वीट करते हुए जनता का धन्यवाद दिया है और अपनी पार्टी की हार को स्वीकार लिया है। राहुल गांधी ने हालांकि एक भावुक ट्वीट जो है शेयर किया है। उन्होंने लिखा है कि जनादेश जीतने वालों को शुभकामनाएं, मैं सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उनकी कड़ी मेहनत और जो है समर्पण के लिए धन्यवाद देता हूं। हम इससे सीखेंगे और भारत के लोगों के हित के लिए काम करते रहेंगे। तो ये कहीं ना कहीं राहुल गांधी का ट्वीट सामने आया। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है, मोदी राज में विदेश नीति पूरी तरह से हुई फेल। अब छोटे छोटे देश हमारे देश को आंख दिखाना शुरू कर चुके हैं। आप इस खबर को देख सकते हैं, नेपाल जो है अब हमारे देश को आंख दिखाना शुरू कर चुका है। शौचालय देकर बगहा के सुस्ता पर कब्जा जमाने की कोशिश में जुट गया नेपाल। ठोस कदम नहीं उठा रही केंद्र सरकार, जिसका यह नतीजा है कि आज नेपाल भी हमारी जमीन को हड़पने की कोशिश कर रहा है। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है यूक्रेन से। यूक्रेन रशिया के बीच जो वॉर चल रहा है, इस मामले पर बहुत बड़ा खुलासा। आप इस खबर को देख सकते हैं, यूक्रेन की लैब्स ने चमगादड़ों में कोविड के नमूनों के साथ किए प्रयोग। ये रूस की तरफ से बहुत बड़ा खुलासा कर दिया गया है। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है, पंजाब विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत हासिल करने के बाद आम आदमी पार्टी का बहुत बड़ा ऐलान। आप इस खबर को देख सकते हैं, पंजाब में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भगवंत मान ने गुरुवार को कहा कि राज्य के नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह नवा शहर जिले के खट करकला में होगा, जो महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह का पैतृक गांव है। यानी कि जो है आम आदमी पार्टी अपने मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण सेनानी भगत सिंह के पैतृक गांव में करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक और नया, एक तरह से हम कह सकते हैं, चेंजेस देखने को मिलेंगे। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है, उत्तर प्रदेश के मशहूर शायर मुनव्वर राणा की तबीयत जो है बिगड़ गई है। दोस्तों आप इस खबर को देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मतगणना के रुझानों से साफ हो गया है कि राज्य में बीजेपी की सरकार बन गई है, लेकिन इसके चलते कई लोगों को बड़ा झटका लगा है। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि मुनव्वर राणा लगातार योगी सरकार को मुस्लिम विरोधी बताकर विरोध कर रहे थे, और अब जब जो है उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार बनी है, तब मुनव्वर राणा की बताया जा रहा है कि तबीयत और खराब चल रही है। हालांकि उनकी तबीयत तीन दिन पहले से ही खराब चल रही थी, लेकिन अब और भी ज्यादा खराब हो गई है। खैर, आपकी अपनी इस पर क्या राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।